तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मेरा दूसरा व्लॉग है। तो पहले खोलते कबूतर, फिर थोड़ा आम वाम को पानी देते और फिर मिलते। तो देखते रहो, वो सीरी को करते बाजू और कबूतर को खोलते। तो देखो, सीरी को कर दिए बाजू। अब आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर आएंगे, यहाँ से हटना पड़ेगा, फिर आएंगे सब बाहर। और कबूतर तो छोड़ दिया हो, अब सब कबूतर को डालते गेहूँ। गेहूँ डालते फिर सब आएंगे। वो जो है ना, वो थोड़ा बीमार लग रहा है मेरे को, तो उसको चेक करते। और ये देखो यार, तो मैं बोल रहा था ना, वो एक नर बीमार लग रहा है, तो मैं नर को लेके आ चुका हूँ। ये देखो नर, देखो। तो इसको थोड़ा सा खांसी और सर्दी हो रही है, तो इसको भी करते दवा और फिर देखते इसको भी खिलाते। थोड़ा खाएगा ये, फिर अंदर जाएगा तो इसको फिर पकड़ेंगे और फिर इसको दवाई देंगे और देखते फिर कैसा क्या है। देखो बीमार लग रहा है मेरे को थोड़ा, तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको एकदम क्लियर। तो ये वाला मेल है, ये देखो कैसा मुंह खोल रहा है, मतलब खांसी हो रही है उसको और बीमार लग रहा है मेरे को थोड़ा, सर्दी भी लग रही है मेरे को थोड़ी बहुत। तो अभी इसको करते दवाई, इसको दवाई पिलाते और इसको छोड़ते, फिर वो खाएगा ना, फिर जाके ऊपर बैठ जाएगा, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। और बाकी के कबूतर है जो उमर बच्चा कल देखे थे ना भाई, इसका ही है वो। ये मेल है और उसकी वो जो फीमेल है वो गए ब्लॉग में दिखाया था ना, वो है, ये दिखा नहीं पाया था। सब राह देख रहे, ये देखो खाने में मगन है एक वहाँ पे है। तो ये थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है इधर, जो कि अभी वो बकरे के लिए बनाने का है, तो बनाएंगे ना फिर दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको देखो, ये मेल जो उमर मेल है, ये बेहतरीन मेल है। अब इसको दवा करते। तो देखो दवा ला चुका हूँ, तो अब इसको पिलाते और इसको छोड़ते और फिर देखते खाने डालते इसको, खाता है कि नहीं। थोड़ा आम के दरख्त को पानी देते और काजू के दरख्त को भी। तो मैं आपको काजू दिखाता हूँ, तो देखो। तो ये देखो, अभी अभी थोड़े थोड़े बहुत काजू आ चुके हैं और थोड़े आ रहे हैं अभी अभी आ रहे। वो देखो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पर वो देखो, वहाँ पर। तो अब जा रहा है काजू के पेड़ को पानी और उसके बाद जाएगा वो आम को, फिर आएगा ये आम को, फिर आएगा वो आम को, फिर वो आम को, फिर आगे काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चीकू भी है और एक आगे भी चीकू है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चीकू बहुत बड़े है इस पर भी और उस पर भी। तो इस जार को पानी बहुत हो चुका है, देखो पूरा वहाँ पे पूरा तालाब बन गया है। अब जाते हैं वो आम के पास, तो ये आम को पानी देते, यहाँ पे डाल के रखते हैं ब्रो, ये यहाँ पे ऐसा। वो पूरा भर जाएगा ना, तब आके उसमें डाल देंगे। तब तक जाते हैं आगे और थोड़ा कबूतर को देखते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत बीमार है ना, तो उनको दवाई बिवाई करनी है ना, तो जाते और देखते। वो देखो ब्लैकनर, देखो वहाँ पे कोकम भी है, कोकम के झाड़ पे फुल कोकम आ चुके और पक भी चुके कोकम। तो अभी चलते और मैं आपको दिखाता हूँ कोकम भी। तो फुल कोकम आए और फुल पक चुके,
निकालना है अभी इनको, जल्दी निकाल देंगे ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोकम का दरख्त है और ये काजू का है। इस पर तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, इस पर आ चुके बहुत कोकम है ना बोले तो। देखो पक चुका है वहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है वो, देखो वहाँ पे पक चुका है। ऊपर तो बहुत पक चुके क्योंकि दिख रहे नहीं है क्योंकि वो अंदर के साइड है ना। तो मैं आपको थोड़े बहुत दिखाता हूँ पकेले। ये देखो यहाँ पे एक है, दिख रहा है आपको, ये एक है वो रहा, वो एक पका हुआ है, वो हरा है, वो भी दो तीन दिन में पक जाएगा। ऊपर देखो वो, देखो देखो बहुत बहुत पक चुके वहाँ पे, ऊपर तो बहुत पके। जब ऊपर चढ़ेंगे ना और निकालेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा ठीक है। तो देखते रहो, वो साइड तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, जाऊंगा तब समझेगा। तो देखते रहो, ये देखो फुल रेड हो चुका है, मतलब ये पूरा पक चुका है। तो देखते रहो, वो देखो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पक चुके हैं, इतने इतने भी पक चुके हैं। वो देखो बड़ा वाला है। तो इनको निकालेंगे जल्दी, अब सोचते कब निकालना है कब नहीं। और ये देखो यहाँ पे अंदर के साइड भी बहुत है, वो देखो वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी पके हुए है, वो देखो वहाँ पे, यहाँ पे भी पके हुए। ये देखो मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, हाथ जाना चाहिए बात। हाँ ये देखो पका हुआ कोकम है, ये देखो फुल रेड। तो अब निकालते हैं, अब घर में दिखाएंगे कि पक चुके और फिर निकालेंगे। तो देखते रहो, फूल होने थोड़ा टाइम जाएगा, तब तक आते नमाज पढ़ के फिर इधर से डालेंगे इधर। तो ये गोल राउंड है, ये साफ भी करना है क्योंकि अंदर कचरा बहुत है। तो ये भरने तक तो टाइम जाएगा, और तो जाते नमाज पढ़ते और आते। फिर आना है वहाँ पे, वो काजू को चीकू को डालना है, वो आम को डालना है, ये आम को डालना है। इसने तो पूरा पानी पी लिया, अब वो आम को डालेंगे, फिर वो आम को फिर उधर जाएंगे, वहाँ पे चीकू है, वो चीकू को भी देते और फिर जाएंगे आगे। आगे भी एक चीकू का झाड़ है, एक आम का झाड़ है। और तो आपको कोकम तो दिखा चुका हूँ मैं, तो कोकम को भी आज देते पानी। तो पहले जाते नमाज पढ़ के आते ठीक है। तो ये बढ़ने तक तो टाइम जाएगा, तब तक नमाज पढ़ के आएंगे। तो मिलते हैं नमाज के बाद। तो आ चुका हूँ नमाज पढ़ के, तो अब जाते वो वहाँ से पाइप निकाल के वहाँ डालते क्योंकि बहुत पानी पी चुका है। तो आपको एक नए मेहमान से भी मिलाना है, तो मिलाता हो तो देखिए। तो एक मिनट इसको अभी रखते एक साइड में किधर तो भी, और फिर दिखाता हो ठीक है। तो देखते रहो। तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है, ये मेरा एक तोता है जो कि एलेक्जेंडर है, और मेल है ये, मेल। तो बहुत शरारती है भाई, ये बहुत शरारती है। इसको छोड़ दूँ ना अभी यहाँ से, सीधा जाएगा घर पे, रुकेगा नहीं यहाँ वहाँ, सीधा जाएगा घर। क्योंकि इसको मैं ज़्यादातर छोड़ता हूँ घर में ही छोड़ता हूँ, बाहर उसको छोड़ता नहीं। इसको कभी कभार बाहर लेके आया ना तो लेके आता हूँ। तो अब जाते वहाँ पर, वहाँ से डालते यहाँ पे, तो वहाँ पे जाते और फिर दिखाता आपको ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पानी बहुत हो चुका है, ये बहुत पानी पी चुका है। तो यहाँ से निकालते पाइप को और डालते यहाँ पर। यहाँ पर डालने से पहले अभी अपने को ये साफ़ तो करना पड़ेगा, पूरा हाथ गंदे हो जाएंगे। तो पानी तो डाल चुका हूँ मैंने, ओ या अल्लाह। तो ये करते पहले साफ ठीक है, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो पूरा साफ हो चुका है, तो पहले हाथ धोते अच्छे तरीके से ठीक है। और अब यहाँ पे जा रहा है पानी, अच्छे से पी ले, ये ले पी ले, अच्छे से पीना। और तब तक के लिए आता हूँ मैं जाके वहाँ से, कि वो तोते के पास बैठना है क्योंकि बिल्ली आ जाएगी तो तोते को पकड़ लेगी। तो चलते। तो ये दो काजू थे, इसको कोई तो खा लिया है, कोई तो परिंदा खा चुका है इसका थोड़ा बहुत, मतलब ये देखो पूरा पूरा चबा चुका है कोई तो।
कौन सा तो भी जानवर आके चबा के गया, तो ये अभी अपने कुछ फ़ायदे का नहीं है, ये अपने फ़ायदे का है। और ये तो फुल फ़ायदे का है, ये खा सकते हैं पर पका नहीं है। ये तो चाहिए क्योंकि ये भी अभी निकालना है, बीज है ना, ये जो बीज है वो निकालना है। ये देखो पूरे यहाँ पे पूरे फूल है, यहाँ पे चेक करो भाई, ये देखो यहाँ पे छुप छुप के बैठे, ये देखो, तो इनको भी निकालना है। वो देखो वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तोते के पास, तो अब बैठते थोड़ा टाइम तोते के साथ, थोड़े से मज़ा लेते, फिर वहाँ से पानी का पाइप लाके इधर डालते और फिर इधर डालेंगे, फिर उधर से आगे वाले आम को, फिर ज़रा आराम करेंगे, फिर मिलेंगे शाम को। तो अभी देखते रहो। तो ये मेरा तोता है ना, बहुत शरारती तोता है, देखो ये देखो, बहुत बहुत मस्ती करता है ये तोता, बहुत। आपको मैं इसका ना, जब मस्ती करते रहेगा ना तब आपको मैं दिखाऊंगा, इसको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो देखो, तो यहाँ पे आ चुके, यहाँ पे भी पानी बहुत फुल हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, पानी फुल टाइट फुल भर चुका है, क्या हो ना, देखो पानी फुल हो चुका है, देखो पूरा भर चुका है अंदर पूरा पानी, ये देखो पूरा पूरा भर चुका है। तो अब इसको निकालते यहाँ से, हाथ धोते पहले यहाँ से, और पूरे पीछे तक भरा हुआ है पूरा, ये देखो फूल है फूल। तो अब यहाँ से जाते आगे वहाँ पे, तो डालते ही शाम को, ये देखो अब ये आम पानी पिएगा, ये आम है, ये देखो छोटा सा है, अभी तक आम तो नहीं आए पर इंशाल्लाह आएंगे इस पर भी ज़रूर। और वहाँ पे तो चीकू के झाड़ है दो, दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो चीकू के झाड़ है यहाँ पे दो, और चीकू भी अच्छे खासे है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो चीकू भी निकालने हैं क्योंकि बड़े हो चुके, तो चीकू भी निकालेंगे जल्दी, हाँ बहुत बड़े हो चुके। वो साइड चीकू है ना, वो साइड, वो वाले झाड़ पे, ये वाले झाड़ पे जो चीकू है ना बहुत बड़े, वो देखो वहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े, वो देखो देख सकते हैं, वो देखो दिख रहा है वहाँ पे, देखो ऊपर की साइड तो बहुत है यार, माशाल्लाह पूरा चीकू से भरा हुआ है झाड़, देखो चीकू बहुत मीठे चीकू है ये दोनों झाड़ के, और वो आगे वाला झाड़ है ना वो भी अनलिमिटेड मीठा है। तो मैंने पाइनएप्पल का भी झाड़ लगाया, और पाइनएप्पल भी एक आया हुआ है, एक छोटा सा पाइनएप्पल है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो बहुत अल्टीमेट झाड़ है, मैं लगाया ना फुल जुगाड़ से लगाया, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहे पाइनएप्पल के झाड़, और इस पर एक पाइनएप्पल आ चुका है देखो, और इसका जो जुगाड़ है ना वो बोर्डिंग चालू होती है ना, तो वहाँ से पानी गिरता है और यहाँ से पूरा सप्लाई होता है इन झाड़ों को, वहाँ से पूरा सप्लाई होता है इन झाड़ों को, इनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब वहाँ से निकालते पाइप और डालते वो झाड़ को, और थोड़ा बाज़ार भी जाना है मेरे को, तो बाज़ार भी जा के आता हूँ। अब ये झाड़ को पानी डालते, और थोड़ा बाज़ार भी जाना है ना, तो बाज़ार भी जा के आते। वो यहाँ पे तो खड्डा हो गया है, ये अब झाड़ को पानी दे चुके, तो अब जाते बाज़ार, जाना है थोड़ा बाज़ार जाते, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीकू की बात कर रहा था, ये देखो ये चीकू एक है, और वो मेरी फ्लाइंग बीस्ट, ये मेरी सुपर बाइक है भाई, मेरे लिए सुपर बाइक है ये, सुपर बाइक से कम नहीं है मेरे लिए। एक वो वाला आम का झाड़ है। तो अब आ चुके, मुर्गियों को भी छोड़ना है, तो मुर्गियों को छोड़ते हैं, देखो आएंगे अब एक 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 करके बाहर। देखो अंडे नहीं है, तो अब खोलते इसको, इसको खोलते, अब इसकी तो चाबी अंदर है लगता, ये खुला ही रखा था मैंने लगता कल, तो खोलते इसको भी, तो इसको भी खोलते,
ये लाल वाले को ही निकालेंगे बाहर, उसको बाद में खोलते हैं क्योंकि उसको वो बड़ा वाला मुर्गा मारता है ना। देखो ये वाला, इससे सब डरते हैं, वो भी डरता है इससे। तो देखो वो मुर्गा है, और ये अब इन लोग को डालते खाने, और तोते को लेके चलते अंदर। देखो मेरे पीछे पीछे ही चल रहा है, आएगा देखो, अब साथ साथ ही चलेगा मेरे, उसको भूख लग गई ना। ये दादो तो इसका नाम दादू रखा हूँ मैंने, और ये तीन सब लैला है उसकी। अब इसको लेके चलते अंदर, बहुत टाइम हो चुका है, ये बहुत टाइम बाहर बैठ चुका है, तो इसको लेके चलते अंदर। सलाम अलैकुम। तो सो गया था भाई, बहुत बिल्ला नींद आई थी, सो गया था, अब आया पीछे कबूतर के पास, अब जाते वहाँ बकरी को छोड़े भाई ने, तो वहाँ चलते और देखते। तो फुल बिल्ला लफड़ा कर रहे ये लोग, देखो फुल झगड़ रहे, पूरा दिन झगड़ते रहते। तो अब वहाँ पे चलते और देखते, तो मिलते वहाँ पे जाने के बाद, तब तक ले टेक केयर। तो आ चुका हूँ पीछे की साइड, तो बकरी वहाँ पे खा रही है, तो देखते उसको भी पेट भर खिलाते और फिर चलते उधर, कबूतर को बंद भी करेंगे और फिर इफ्तारी करनी है, तो मिलते बाद में। तो बकरी को खिला के हो चुका है, तो अब चलते घर पे, तो मिलते वहाँ पे कबूतर के पास, चलो। तो बकरी को बंद करके आ चुका हो, अब कबूतर को बंद करता हो, वो एक कबूतर वो देखो वहाँ बैठा है वहाँ पे, उसको भी बंद करता हो, और फिर मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। तो मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।